हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मसालेदार सुरमई फिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। सुरमई फिश बनाना कितना आसान है ये मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। ये बहुत टेस्टी लगता है, इसमें कांटा भी कम होता है, बच्चे बड़ी आसानी से इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम सुरमई फिश बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 800 ग्राम सुरमई फिश लिया है। फिश को हमने राउंड शेप में कटवा लिया है, इसको अच्छे से हमने दो तीन बार धो लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक चम्मच हल्दी डाल के इसे मेरीनेट करेंगे। सुरमई फिश में हम ज़्यादा मसाला नहीं डालते हैं, तो हल्दी को हम फैलाते हुए डालेंगे। अब हम साथ में डालेंगे इसमें एक चम्मच नमक। नमक भी हम फैलाते हुए डालेंगे, यानी कि हर एक फिश पे नमक लग जानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हाथों से इसे अच्छे से ऐसे मेरीनेट करेंगे। हर एक फिश पे नमक और हल्दी का लेप लग जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने सभी फीसेस को हल्दी नमक में लपेट लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमने सभी फीसेस में हल्दी नमक का लेप अच्छे से लगा लिया है। आप देख सकते हैं एक एक फीस पे अच्छे से कोटिंग हो गया है। इससे क्या होता है, अंदर तक फिश में हल्दी नमक चला जाता है, फिर हम फ्राई करते हैं तो ये अच्छे से फ्राई होता है। हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर से फिश फ्राई करेंगे। 10 मिनट हो चुका है, अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक कड़ाही रख लिया है, कड़ाही को हम अच्छे से गर्म कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप कभी भी फिश फ्राई कीजिए तो सरसों के तेल में फ्राई करके देखिए, उसका टेस्ट कितना बढ़ जाता है। फ्राई करने से पहले हम तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, यानी कि इसमें जो एक फ्लेवर होता है वो निकल जाएगा, फिर हम इसमें फ्राई करेंगे। तो तेल को हम दिखाएंगे आपको अच्छे से गर्म करने के बाद। आप देख सकते हैं अपने तेल से हल्का हल्का धुआं जैसा आने लगा है, यानी कि परफेक्ट तेल गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम को स्लो कर लेंगे और तेल को हम मीडियम गर्म कर लेंगे, जिससे कि फिश जब हम डालेंगे तो छींटे ज़्यादा नहीं उड़ेंगे। तो हम थोड़ा सा तेल को नॉर्मल कर लेंगे, फिर फिश डालेंगे। हमने 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे तेल को रहने दिया है। तेल गर्म ही है, पर उतना जितना कि खोल रहा था उतना नहीं है, थोड़ा सा कम हुआ है। अब हम इसमें एक एक फिश छोड़ेंगे, जिसे हमने हल्दी और नमक से मेरीनेट किया था। तो हम आराम आराम से छोड़ देंगे। हमें आराम आराम से एक एक फिश ऐसे डाल देना है। एक बार में जितनी फिश आ सके उतना हम डालेंगे और एक साइड से हम इसे कड़क होने तक सेकेंगे, यानी कि 1.5 से 2 मिनट सेकने के बाद हम आपको दिखाते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम फिश को उलट लेंगे। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, एक स्पैटुला के पॉइंट से हम इसको हल्का हल्का ऐसे करेंगे और उलट देंगे। आप देखिए एक साइड से एकदम अच्छे से फिश फ्राई हो चुका है। तो हम ऐसे धीरे धीरे करके सभी फिश को उलट लेंगे। अब हमें दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही सेक लेना है। दूसरे साइड से भी फिश फ्राई हो चुका है। मैं एक एक फिश आपको सेक करके दिखा देती हूँ, तो आप ध्यान से देखिए दूसरे साइड से भी अपनी फिश का कलर चेंज हो गया है।
एक बैच फ्राई करने में हमें 6 मिनट लगा है। अब हम इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम एक चीज को ऐसे टेढ़ा करेंगे और प्लेट में हम ऐसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से अपनी चीज एकदम बढ़िया फ्राई हो चुकी है। हमें इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि इस चीज़ को हमें ग्रेवी में डालनी है। तो दूसरा भी आप देख लीजिए, दोनों साइड से अच्छा सा फ्राई हो गया है। तो चलिए हम सभी चीज़ को निकाल लेते हैं। हमने पहला बैच निकाल लिया है, अब चलिए हम इसी तेल में दूसरा बैच फ्राई कर लेते हैं। तो हम एक एक फिश को ऐसे ही, दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है, अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम ऐसे ही एक एक फिश को टेढ़ा करते हुए और प्लेट में निकालते जाएंगे। फिश निकालने के बाद अपना तेल जो बचा है इसमें हम डालेंगे एक बड़ा प्याज जिसे हमने एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अगर तेल ज़्यादा हो तो आप निकाल लें, लेकिन इतना तेल चाहिए हमें ग्रेवी बनाने के लिए। तो हम उसी में ये प्याज को भून रहे हैं। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, या हल्का गुलाबी आप कह सकते हैं। तो ऐसे हमें प्याज भूनने में 2 से 3 मिनट तक लग सकता है। हमने गैस का फ्लेम स्लो कर लिया है। तो अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। टमाटर हमने डाल लिया। जब फिश की स्वाद अच्छी लानी हो तो इसमें हम डालते हैं सरसों। सरसों ये है, इसे हमने मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पेस्ट बना लिया है। तो 4 चम्मच सरसों का पेस्ट हमने बनाया है। इससे आप बना के फिश का स्वाद देखिए कितना बढ़िया आता है। अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। अगर पानी आपका सूख जाता है तो हल्का हल्का छींटा मारते हुए 5 मिनट तक भूनिए। तो मैं आपको 5 मिनट बाद बताती हूँ। आप देख सकते हैं हम 5-5 मिनट पे मसाला को पानी छिड़क छिड़क के चलाया है। मसाला का कलर आप देख सकते हैं, एकदम अच्छे से मसाला भून चुका है। मसाला बढ़िया से भुना हो तो मछली में ग्रेवी का स्वाद बहुत सुंदर आता है। अब हम इस स्टेज पे पानी ऐड करेंगे। तो हम अब पानी डालेंगे। आपको जितना पतला ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड कर लीजिए। गाढ़ी चाहिए तो गाढ़ी रखिए, पतली बनानी है तो पतली बनाइए। यहाँ पे हमने 2 ग्लास पानी डाला है। अपनी ग्रेवी गाढ़ी ही है, ज़्यादा पतली नहीं हुई है, तो फिश में हमें ऐसे ही ग्रेवी की ज़रूरत होती है। अब हम अच्छे से ग्रेवी में उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो हम 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और साथ में हम ग्रेवी में ही धनिया पत्ता डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने धनिया पत्ता को काट रखा है। धनिया पत्ता को धो के बारीक बारीक काट लेना है। ग्रेवी से इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है, आप बनाएंगे तो इसका महसूस करेंगे। ग्रेवी को हमने चला लिया गरम मसाला और धनिया पत्ता के साथ। अब हमें क्या करना है, फ्राई किया हुआ फिश एक एक करके छोड़ देना है। तो ऐसे हम एक एक फिश को ग्रेवी में छोड़ देंगे। डालने के बाद हम 2 मिनट तक एकदम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से उबालेंगे। इससे क्या होगा, हर एक फिश में ग्रेवी अच्छे से चली जाएगी। फ्लेम हमें मीडियम रखना है, नहीं तो ये उछलता है। आप देख सकते हैं हमने ग्रेवी में फिश को अच्छे से उबाल कर लिया है, यानी कि उबाल लिया है।
अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। आप देखिए, कलर देखिए, फिश फ्राई किया हुआ जब हम ग्रेवी में डालते हैं तो इसका टेस्ट आप समझ सकते हैं कितनी बढ़िया होती है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे तो ये अपनी फिश बनकर तैयार है। मसालेदार सुरमई फिश बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया सुरमई फिश बनाना कितना आसान है और इसकी कलर, इसकी टेस्ट क्या कहें हम, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।